हेलो गाइस, आई एम पूजा और मैं बहुत बहुत बिंदास हूँ, बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत बहुत खुश रहें। तो इसलिए गाइस, मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। मेरी ही थॉट्स हैं और मेरी ही जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में मैं आज आपसे बात करूँगी। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भूपेश सर का, जिन्होंने मुझे अपने माइंड इंक्रेडिबल चैनल का मेंबर बनाया और मुझे इतना प्यारा सा अवार्ड मेरे लिए भेजा और अपने चैरिटी का क्लब का मेंबर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। और गाइस, एक और मैं जो इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती थी वो ये थी कि आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर मैं फालतू चैट करने के लिए या आपको सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं दिया गया है। आपको अगर कोई सच में प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मेरी फ़ी पे करिएगा। हाँ, फ़ी पे याद आया, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे लेती हैं, तो आपको मैं बोल दूँ, ये स्टेटमेंट को ठीक कर लीजिए। मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं अपने टाइम की वैल्यू ले रही हूँ जो कि हर कोई लेता है। ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, लोगों की साइकोलॉजी चेंज करना, लोगों को काउंसिल करना। आपको नहीं अच्छा लगता रहने दीजिए, मुफ्त का ज्ञान तो वीडियो में मिल ही रहा है ना, आपको इससे सीखना है, इसी से सीख लीजिए। और एक बात, आलतू फालतू टाइम पे मुझे कॉल मत करिएगा, इतने एडिकेट से मैनर्स आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कब किसको कॉल मिलाएं, क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको बुरा लग सकता है क्योंकि रात के 11 बजे 12:30 बजे मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करने वाली। और आप, मेरा तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने समझदार हैं, वो कहते हैं इग्नोर करो ऐसे लोगों को, हर तरह की दुनिया है, आते रहते हैं। तो गाइज प्लीज़ थोड़ा सा मर्यादा में रहिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा। बहरहाल, जो टाइटल है उस पर बात करती हूँ। ये किसी आपके जैसे ही ना समझ अज्ञान बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम बताइए कि प्यार में सेक्स जरूरी है, या बताइए क्या जरूरी है प्यार में सेक्स होना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये एक टॉपिक की तरह लेकर आप लोग को सबके सामने बोलूँ, क्योंकि ऐसे दिमाग में बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए, प्यार और सेक्स को जो मिक्स कर रहे हैं प्लीज़ मत करिए, क्योंकि प्यार एक बहुत बहुत पवित्र चीज़ है, उससे जिस्मों के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार एक ऐसी प्यारी चीज़ है जिसमें इंसान दिल से जुड़ता है, जिसमें इंसान आत्मा से जुड़ता है, और उस जुड़ाव की वजह से जन्मों जन्मों तक वो कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलता रहता है। भले ही वो उसमें आपके लवर की तरह ना आए, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता उसके साथ आता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरा भी, मेरे जितने लोग मेरे अपने हैं और मेरे हस्बैंड हैं, उनका मेरा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, इसीलिए वो इस जन्म में मुझे मिले हैं। तो गाइस, जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों की जो मानसिकता है, जो आपकी साइकोलॉजी है कि प्यार में सेक्स होना चाहिए, सेक्स में प्यार होना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जिस स्टेटमेंट को गा रहे हैं प्यार में सेक्स, तो मैं ये कहना चाहूँगी सेक्स में प्यार होना चाहिए। मतलब आप किसी के साथ अगर सेक्स कर रहे हैं, तो पहली बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी, होश में जो करते हैं आप वो सही होता है, और होश में इंसान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो आप जिसके साथ सेक्स कर रहे हो उसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए उसकी नज़रों में। मैं तो इवन उन प्रोस्टिट्यूट को भी रिस्पेक्ट करूंगी जिनका ये प्रोफेशन है, वो भी तो अपना काम ही कर रही हैं, और वो अपना काम ना करे तो आप लोगों की हवस तो पूरी ही नहीं होगी। और जो हवस अपनी पूरी करने जाते हैं तो कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो रखिए, उनको गाली तो मत दीजिए कि अरे ये तो प्रोस्टिट्यूट है, वो तो अपने काम को बहुत अच्छे से निभा रही है, लेकिन आप तो अपनी पत्नी के होते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के होते हो, तो भी आप जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा कौन कौन बुरा इंसान होगा, या आपसे गिरा हुआ कौन होगा। किसी को कहने से पहले खुद को देखिए। बहरहाल, जो मैं बात कहना चाह रही थी यहाँ पर, वो ये बात बोलना चाह रही थी कि सेक्स में प्यार कैसे होना चाहिए। सेक्स विदाउट फीलिंग्स आप किसी के साथ करते हैं तो आपको कभी सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता, आपके मन में और बेचैनी होगी, मैं किसी और के साथ करूँ। एक और महाशय थे जो मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी एडवाइस दे रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा, तो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे सेक्स रैकेट नहीं चला रही हूँ, मैंने लड़कियों का धंधा नहीं किया हुआ कि मैं लड़कियाँ आपको ऑफर करूँगी कि आ जाइए और ले लीजिए। कहता है मैम प्लीज़, आपको मैं 60,000 क्या 1,00,000 रुपए भी दे दूंगा, अभी के अभी दे दूंगा, आप मेरे लिए बस एक रात के लिए एक वर्जिन लड़की तैयार कर दीजिए।
ये है साइकोलॉजी, कितने ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड बच्चे की मेंटालिटी है, जो अभी अभी शायद जॉब में चला गया हो आगे, क्योंकि मैंने बात नहीं की। मैंने कहा भाई मेरे को 60,000 रुपये देगा तू, 1 लाख रुपये देगा, उससे अच्छा 2,000 में जाके किसी के साथ भी कर ले। तो रिवर्ट में रिप्लाई आता है कि आई नीड अ वर्जिन गर्ल। पहले तुम वर्जिन को नॉन वर्जिन बना देते हो और उसके बाद फिर कहते हो कि मुझे वर्जिन चाहिए। ये है आपकी मानसिकता, आप किसी के साथ सो रहे हैं, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स जता रहे हैं, झूठी। आपको प्यार नहीं है, आपको लस्ट है, आपको हवस है, आपको बस बड़े बड़े बूस, बड़ी बड़ा अच्छा अच्छा फिगर देख के बस मन ललचा जाता है। और ये मन ललचाने की वजह जो मैंने बताया, आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में है, आप मूलाधार चक्र से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। तो आपकी साइकोलॉजी क्या चेंज होगी? आप उस अंधेरे में जा रहे हो जिसमें कितने भी दिए लगा लो आपका अंधेरा दूर नहीं होने वाला। आप हमेशा प्यार को कंपैरिजन करते हैं सेक्स से, तो प्यार जब किसी को किसी से दिल से प्यार होता है ना, आत्मा से प्यार होता है, तो उसको जिस्म के छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एक मुस्कान देखने के लिए पागल रहता है, वो उसकी खुशी देखने के लिए पागल रहता है, उसकी एक झलक देखने के लिए पागल रहता है। लेकिन आपके दिमाग में तो ख्याली गुलाब, रोड पे कोई लड़की जा रही है उसको देख के ख्याली गुलाब आ जाएंगे, कोई भाभी जी जा रही, भाभी जी बड़ी माल हैं, भाभी जी बड़ी सेक्सी हैं, आप इस तरह के कमेंट्स जब आप किसी को करेंगे तो आपको लगता है कि वो इंटरनली आपके से कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि आपकी सोच वहां पे जा रही है। मैं इसका कोई और रीजन नहीं बता रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर मानसिकता खुद लड़कों ने एक्सेप्ट किया है कि मैम लड़कियों जो लड़कों की फीलिंग्स होती हैं वो ज्यादा हाई लेवल पे रहती हैं। तो एक बात जान लीजिए, जिस जो लड़की आपको सच्चे दिल से मान लेगी ना, जो आपको प्यार देगी, वो आपकी आत्मा से प्यार देगी, और उसे फिर जो भी हो पूरा आप पे लुटा देगी। ऐसा होता है लड़कियों का प्यार, मैं खुद एक लड़की हूं तो मैं मान सकती हूँ कि मैं भी किसी को कितना प्यार करती हूँ। तो आपको ये लड़की की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए, लड़की को कैसे खुश करना चाहिए, लड़की को कैसे सेटिस्फाइड करना चाहिए, आते आने वाली वीडियोस में मैं बताती रहूँगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप बोल रहे हैं, जो मैं बार बार बोलूँगी, सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लव। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उसको और करीब जा सकते हैं। जबकि जबकि ये आउटर बॉडी कुछ नहीं होती, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर तो ऑलरेडी आपके सारे प्राइवेट पार्ट देख लेते हैं, लेकिन वो एज ए ट्रीटमेंट कर, मतलब एज अ डॉक्टर देख रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसा वैसा। अब उस चीज़ को भूल जाइए जो केसेस आते रहते हैं कि डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, वो इंसान है ना, इंसान अपनी फितरत से कैसे बदलेगा, अपने प्रोफेशन को भूल के अपनी हवस के शिकार हो जाते हैं वो लोग भी। लेकिन बेसिकली जो आपके जिस्म से प्यार कर रहा है वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, या आपको लगता है कि आप लड़की की आउटर बॉडी देख के उसको प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार नहीं है, सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, एक धोखा है, या एक इल्यूजन जिसे कहते हैं, भ्रम है, एक उस भ्रम में जी रहे हैं आप, इसीलिए आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। जो आप उसे एक बार आत्मा से प्यार कर लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होगी कि प्यार में सेक्स जरूरी है क्या। तो आप किसी के साथ अगर सेक्स करते भी हैं, आप साइलेंटली आपका हो जाता है, या आपको किसी के साथ बहुत प्यार है और आप उसके साथ रिलेशन में मतलब शादी नहीं कर पा रहे हैं और आपको उसके साथ फिजिकल हो आप, प्लीज उसके कम से कम बाहर जाके तो उसके बारे में 10 बातें मत बनाइए, किसी के सामने तो उसे मत बेशरम बनाइए, अपनी अज्ञानता के जो पर्दे लगाए हुए हैं ना आपने, और जो अज्ञानता रूपी चश्मे पहने हुए हैं आपने, उन्हें हटा कर देखिए, तब आपको स्त्री की पवित्रता नजर आएगी। अगर एक प्रॉस्टिट्यूट है तो वो भी अपना पवित्रता के साथ अपना काम कर रही है ना, वो भी ये नहीं सोच रही मेरे ऊपर कितने लोग चढ़ रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन आप लोग वहां भी फेथफुल नहीं है, उनको गालियां देकर बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर पैसे फेंक कर निकलते हैं, ऐसे फेंकते हैं जैसे कि वो तो इसके लिए मरी जा रही है। आपका वो अपना काम कर रही है तो वो गिरी हुई नहीं, आप लोग बहुत गिरे हुए हैं, जो हमेशा बस सेक्स के लिए कोई भी चाहिए, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, उनके साथ रेप कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इंसान वाले काम कर रहे हैं, आप तो जानवर से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं।
आगे मैं बहुत सारी वीडियोस में अभी ऐसे पर्दे खोलने वाली हूँ, या अज्ञानता के वो जो आपने चश्मे लगा रखे हैं वो हटाने वाली हूँ। तो जो अच्छे लोग हैं प्लीज़ इसे कॉपरेट करिए और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते जाइए, और प्लीज़ किसी से प्यार करो तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।